और इसको मैंने देखिए ये थोड़ा सा ये अलग शेप दे देखिए देने की कोशिश की हुई है। तो ये जो ऊपर प्लांट होता है और इसे लगाना एकदम ईजी है और गर्मियों के दिनों में बरसात के दिनों में ये बहुत ही अच्छे फल। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है और आज मैं जो आपको ये प्लांट दिखा रही हूँ ये बॉल्विंग ज्यू है और ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और बहुत ही ईजी टू ग्रो है। आपने कभी प्लांट नहीं उगाया हो तब भी इस प्लांट को आप उगा सकते हैं। तो इसको उगाना इतना ईजी है कि बस आपको जैसे भी कहीं आपको दिख जाइए तो थोड़ी सी इसकी कटिंग ऐसे ऐसे ले आएंगे तो उतने से ही आपका काम चल जाएगा। और ये पूरी तरह से इतना तेज़ फैलता है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर ही ये पूरा आपका देखिए मेरा जो ये गमला है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कहीं से भी। ये देखिए तो इतना अच्छा ये पत्ते हैं। पानी इसे कम देना होता है और खाद तो बिल्कुल देनी ही नहीं होती है। तो बिना खाद के ये प्लांट आप उगा सकते हैं कैसे भी मिट्टी में करके। और जो लोगों ने पहले कभी कोई प्लांट नहीं उगाया है मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इस प्लांट को ज़रूर उगा लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हल्का शेड आते ही रहे आपको आपके यहाँ तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे चलते हैं। इसको ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ की थोड़ी धूप नहीं आए, ब्राइट लाइट केवल आती हो, यानी धूप जो आती है धूप नहीं आए और उसकी रोशनी बस रहे उस ऐसी जगहों पे शेड में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। ये है कि आप इसे बहुत अंदर नहीं रख सकते हैं कि जहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं हो, ज़रा भी ब्राइट लाइट ना हो वहाँ नहीं रख सकते हैं। थोड़ी ब्राइट लाइट इसको चाहिए होती है। लेकिन ये इतनी छोटी छोटी पत्तियाँ और इतनी प्यारी लगती हैं ये देखिए कितनी अच्छी ये हैं। तो ये एक बार लाएंगे तो ये आपके घर से एक तो कभी जाएगी नहीं और कितनी भी ख़राब हो जाए, क्या होता है कि विंटर के टाइम में थोड़ी ये गल जाती हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ये बिल्कुल गलने के बाद भी फिर नए सिरे से उग जाते हैं। आप ये वाले जो पौधे देख रहे हैं ये वही है, वॉल्विंग ज्यू ही है और इसको लगाने का यही तरीका है। देखिए ऐसे ये अभी हालांकि देखिए ये ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं, अगर ये बिल्कुल सूख जाएं, एकदम ड्राई हो जाएं, उसके बाद भी आप क्या करें कि ऐसे किसी भी प्लांटर में कैसी भी मिट्टी ले लें। छोटा सा ही प्लांटर देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है और इसमें केवल ये मैं रख दूँगी, ऐसे रख दूँगी और ये 2 से 2.5 महीने के अंदर ये जो प्लांट है इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये अभी जो मैंने आपको लगा के दिखाया तो इसको ऐसे लगा दें किसी भी प्लांटर में, ऐसे लगा क्या दें मिट्टी में रख दें केवल और आप ऐसे पानी दे दें, फिर आप देखें कि 2 से 2.5 महीने के अंदर इस तरह की ग्रोथ हो जाएगी। और यही काम मैंने इस प्लांटर में किया हुआ है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये बन करके इस तरह से तैयार हो जाती है। तो आप ये काम ज़रूर कर लिया करें। वॉल्विंग ज्यू की हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी लगती है, तो कहीं ब्राइट लाइट हो तो वहाँ पे आप इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। और एकदम इजी टू ग्रो प्लांट है, इतना इजी प्लांट तो मैंने नहीं देखा है जितना कि इजी ये है। कहीं भी आप इसे रख सकते हैं, बस ये है कि बहुत तेज़ धूप ना आती हो, जहाँ थोड़ा शेड आती हो वहाँ पर बहुत अच्छे चलते हैं। धूप में क्या है कि सूखने का डर रहता है, सूख जाते हैं प्लांट। वॉल्विंग ज्यू को कम पानी देना होता है और ब्राइट लाइट में रखना होता है। तो ये वॉल्विंग ज्यू को आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और दूसरा प्लांट अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये है टेंगल हर्ट, इसको बोलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और ये भी बिना खाद के चलने वाला प्लांट है। ऐसे प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं हो और किसी भी तरह का आप बिल्कुल आप समय ना दे पाते हो अपने यहाँ, लेकिन ग्रीनरी चाहते हो कि हाँ आपके यहाँ थोड़ी ग्रीनरी रहे, तो इस तरह के ये लगा सकते हैं। ये भी बिना खाद के चलने वाला प्लांट है। ये वाले जो प्लांट आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारे से, ये जेड प्लांट है। तो इसकी इस जेड प्लांट को देखिए, ये जो एक टोकरी थी प्लास्टिक की जो कि ख़राब हो गई थी, प्लास्टिक सॉरी नहीं है, ये बांस की टोकरी है जो कि अक्सर करके आपको पूजा कहीं मंदिर वंदिर जाते हैं तो पूजा करने के लिए आपको मिलती है, तो वही वाली ये बास्केट है। और इसमें ऐसे ये हैंडल लगी हुई थी, बहुत पुरानी हो गई थी, कम से कम 10 साल पुरानी है, लेकिन मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं किया तो मैंने इसमें क्या किया, थोड़ी मिट्टी भर करके और इसमें ये टेंगल हर्ट नीचे लगा दिया है और ऊपर से ये कवर करने के लिए जो इसका हैंडल है कवर करने के लिए ये इस तरह का लगा दिया है। तो इसको भी लगाया, बहुत प्यारा सा ये देखने में अभी ही लग रहा है, अभी हालांकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको लगाए हुए मुझे, लेकिन ये है कि ये देखिए कितनी बेकार सी है ये नीचे से आपको दिखाऊं तो, लेकिन अगर आप ऐसे रखते हैं तो देखिए बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देती है। ये देखिए कितनी सुंदर ये दिख रही है।
सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्रिएटिव काम आप कर सकते हैं, वो भी बिना किसी महंगे इक्विपमेंट के। तो किसी प्लांटर की आपको ज़रूरत नहीं होती है इस तरह के प्लांट को लगाने के लिए, आप किसी भी डब्बे में लगा देंगे तो क्या है कि एक समय आएगा वो डिब्बे ढक जाएंगे, और किसी भी तरह के कबाड़ से आप में आप इसको लगाएं। इसके लिए बिल्कुल अलग सा प्लांटर देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कबाड़ में भी लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे चलेंगे। देखिए दूर से मैं दिखाऊं तो इस तरह का दिखता है, ये देखिए। और बीच में अगर आप चाहें तो कोई भी छोटी सी मूर्ति, कोई भी बच्चों के खिलौने वगैरह रख देंगे तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। तो ये टेंगल हट भी आप अपने यहाँ लगा सकते हैं, और ये वॉल्विंग जीव भी लगा सकते हैं। ये तो पूरा भर जाता है बिल्कुल, इसकी एक पत्ती भी कहीं गिर जाती है तो बहुत तेज उगती है ये। यहाँ इस गमले में देखिए साइड में ऐसे ये उगाई है, ये कहीं एक पत्ती गिर गई होगी और ये फैलना शुरू हो गया है। तो आप चाहें तो इसको निकाल करके इसको भी एक छोटे से किसी प्लास्टिक के डब्बे में, जो ख़राब प्लांटर हो उसमें आप लगा देंगे तो ये प्लांटर फिर बाद में दिखेंगे नहीं, और ये बहुत ही अच्छी सी वॉल्विंग जीव की एकदम अच्छी सी बास्केट बन जाएगी। तो ये दो प्लांट आप अपने यहाँ बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ये टेंगल हट देखिए, ये थोड़ा सा लाइट कलर है और ये थोड़ी सी डार्क ग्रीन कलर का है, पीछे के पत्ते इसके पर्पल होते हैं, ये देखिए। तो ये बहुत ही अच्छे चलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।